हेलो हेलो हेलो, वेलकम। क्या हाल चाल है? हाँ, बढ़िया। कम यू ऑल, आप सभी लोग का बहुत बहुत। तो जरा फटाफट कमेंट वगैरह करो, जरा मुझे दिखाई दे। बढ़िया है, अपना सुनाइए। बड़ी जल्दी आ गए। अरे हम लेट हो, आवाज आ रही है? कमेंट करके बताओ। आ रही आवाज तो बोलो। जल्दी जल्दी बोलो फिर। हाँ गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। बहुत बढ़िया। क्या लिख रहे हो? कहता ही हूँ बाजा वाले हो तो हमें काम करते थे। कर लिया कर लिया। क्या लगाया है? हाँ, फिल्टर। चलो शुरू करते हैं। तो आवाज आ रही है प्रॉपर? करो अब, आज सामने कमेंट भी पढ़ पाऊंगा। क्या बच्चों को आता था कि मेरा क्लास इंडियन पॉलिटी का स्टार्ट हो चुका है? मानव लिख साउंड। हाँ सही से यार, ऐसे मजे मत लो। बोलो बोलो, आवाज नहीं आ रही। लगाया है तो आवाज, आवाज कट रही है बहुत ज्यादा। मुझे लग रहा है मेरे नेट में काम करता हूं। आप मुझे 5 मिनट दीजिए, मैं वापस से शुरू करता हूं। ठीक है, बोलो। हाँ या ना? पालिका से? हाँ ठीक है, पालिका से। हाँ ठीक है, मैं वापस से स्टार्ट करता हूँ इसको।
हेलो एवरीवन, हेलो हेलो, आवाज आ रही है आपको? मैं समझ पा रहा हूँ आपका थोड़ा टाइम मैंने जाया कर दिया, बट अब टेक्निकल है यार, मैं क्या कर सकता हूँ, कुछ कभी कभी हो जाता है। तो अभी आवाज पहुंच रही है आपको? चलिए ठीक है, बस स्टार्ट करते हैं, 1 मिनट दे दीजिए। ठीक है ओके, अब टनाटन है। ठीक है चलो, बहुत बढ़िया। तो जैसे कि हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं हम, ओके ओके ओके, तो वेलकम टू अन अकेडमी शोर। आप सभी लोग का बहुत बहुत स्वागत है इस पे, और उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग बहुत बढ़िया से मुझे सुन पा रहे होंगे। इंडियन पॉलिटी का बैच ऑलरेडी मैंने स्टार्ट कर दिया है, कल से स्टार्ट हुआ है, तो जो लोग इस बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं वो ज्वाइन कर सकते हैं। इस बैच को ज्वाइन करने के लिए आपको HIM12 कोड मेरा यूज कर लेना चाहिए, इससे आपको 10% की का डिस्काउंट मिलता है। ठीक है, तो इसका यूज करेंगे तो आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। मैं आपके कमेंट्स देख पा रहा हूँ, एक बार सारे लोग अटेंडेंस लगा दो जिससे कि मुझे पता चल जाए कि कौन कौन मुझे देख रहा है। इंडियन इकोनॉमी की अगर बात करें तो इंडियन इकोनॉमी का कंप्लीट बैच है, CDS AFCAD CFEF के लिए वे ऑलरेडी चल रहा है। शाम को 9 बजे रात में इसकी टाइमिंग है, तो जो इसको करना चाहते हैं वो इसको ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है चलिए, इसके अलावा एम CDS के नाम से एक बैच चल रहा है, स्टार्ट हो रहा है 25 फरवरी 25th ऑफ फेब से। कॉम्प्रिहेंसिव बैच है, पूरे सभी लोगों के लिए बैच स्टार्ट हो रहा है, यानी कि एक पूरा डिटेल्ड बैच होगा, काफी हद तक चलेगा ये। तो इसके अंदर कई सारे एजुकेटर्स हैं जो अपनी अपनी कैटेगरी के सब बढ़िया एजुकेटर्स हैं, वो आपको गाइड करेंगे, पढ़ाएंगे। तो जो बच्चे बैच को परचेज करने का सोच रहे हैं तो उनके पास एक अपॉर्चुनिटी है कि वो बैच को परचेज कर सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों आप इस बैच को परचेज कर लीजिए। साथ ही साथ जो बच्चे मेरे ग्रुप में नहीं है, unacademy@HIM12, ये मेरा ग्रुप है, टेलीग्राम चैनल है, इसको आप ज्वाइन कर लीजिए। ये unacademy@HIM12, आप इसको ऐसे सर्च करेंगे तो मिल जाएगा, इसको ज्वाइन कर लेंगे, इससे आपको क्लासेस की प्रॉपर नोटिफिकेशन मिलती रहेंगी। ठीक है, ये मेरा कोड है, जब भी आप कोई कोर्स परचेज करें, किसी भी कैटेगरी का कोर्स हो, उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर आप कोर्स परचेज करते हैं तो वहां पर इस कोड का यूज करके आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। लेकिन आप यहां पर ध्यान रखें कि ये जो 10% का डिस्काउंट है ये लिमिटेड पीरियड के लिए है, यानी कि कुछ ही समय में इसको चेंज करके 5% कर देंगे। तो इसलिए जो भी कोर्सेज को परचेज करने का प्लान कर रहे हैं वो अब इस कोर्स को परचेज कर भी लें। ठीक है, ध्यान रखना। चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो वेलकम टू ऑल ऑफ यू, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। लेट्स स्टार्ट टुडे सेशन। आज के सेशन में हम क्या डिस्कस करेंगे, तो रिसेंटली हिंदुस्तान टाइम्स ने एक न्यूज को कवर किया था, और इस न्यूज के अंदर इंडिया ने कवर किया चाबहार पोर्ट से रिलेटेड बहुत सारे इश्यूज को। तो इस न्यूज में हमने बेसिकली क्या टॉपिक हमारे लिए रिलेवेंसी रखता है, तो जो भी इंटरनेशनल रिलेशंस के हिसाब से देखें काफी हद तक इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। इंडिया डिलीवर्स फर्स्ट बैच ऑफ हैवी क्रेन्स टू ब्लास्टर बोल्स्टर ऑपरेशन एट चाबहार पोर्ट। आप सभी लोगों को पता होगा कि इंडिया का चाबहार पोर्ट से काफी हद तक लेना देना है, और चाबहार पोर्ट जो है वो आप सारे लोगों को पता ही होगा कि एक स्ट्रेटेजिकली, या हम फिर हम कह सकते हैं कि गल्फ ऑफ ओमान के अंदर, ईरान के अंदर ये पोर्ट है। बेसिकली सभी लोगों को इस बात के इस रिलेटेड पता होगा कि ये पोर्ट एग्जिस्ट करता है ईरान के अंदर, और इससे रिलेटेड CAPF में भी सवाल प्रीवियस में पूछा जा चुका है कि किस गल्फ में ये पोर्ट है। मैं आपको लोकेशन वगैरह सारा कुछ दिखाऊंगा, और वापस इस पर हम काफी हद तक डिटेल से बात करेंगे। ठीक है, तो अब मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि जो बच्चे इसको ज्वाइन कर रहे हैं, देख रहे हैं, हेलो, आपको मेरी आवाज आ रही है ना? किसी को कोई डाउट नहीं है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? एक बार कमेंट सेक्शन में बताएंगे सभी लोग अगर किसी कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी होगी। ठीक है चलिए, तो इंडिया क्या कर रहा है ध्यान रखना सारे लोगों को। ठीक है ओके चलिए, तो इंडिया ने क्या किया है, फर्स्ट बैच ऑफ हैवी क्रेन्स, कुछ क्रेन्स वगैरह थी उनको डिलीवर कर दिया है। ठीक है, तो इनको डिलीवर किया है, तो अभी यहां पर क्लेन्स कौन सी डिलीवर हुई है ये यहां पर हमें देखना था। स्टक है, ऑल ओके है, नॉट ऑल ओके, तो क्लियर है, ठीक है, हाँ आ रही है। ठीक है, एक बार कमेंट करके बता देना।
एक बार सारे लोग रिफ्रेश कर लो अपनी इस जो वापस से मैंने अभी स्टार्ट किया ना, तो एक बार रिफ्रेश कर लीजिए, ठीक है। अटक गए। क्यों हो रहा है यार ऐसा? सर सही है आपके एंड से, जिसका दिक्कत है वो रिफ्रेश कर ले। अच्छा तो प्लीज एक बार रिफ्रेश कर लीजिए सारे लोग, मैं आपसे यही कहना चाहूंगा। हाँ अच्छा मेरा सही है, ठीक है सर। क्लास क्यों लीव कर गए? ठीक है नहीं सर चल रहा है, आई एम फेसिंग इश्यूज, रिफ्रेश गाइस। ठीक है टनाटन है, क्या दिक्कत है? एक बार रिफ्रेश कर लो जिनको दिक्कत हो रही है, डोंट लीव द क्लास। हाँ अचानक से लीव कर दिया लोगों ने क्लास, ठीक है चलो। तो चाबहार पोर्ट की बात कर रहे थे, तो इंडिया ने डिलीवर की है 2 क्रेन्स फॉर द चाबहार, ठीक है। अब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ पढ़ाना, अगर एवरीथिंग इज ओके, ठीक है चलिए। एवरीथिंग इज ओके, ओके ठीक है। तो इंडिया ने 2 क्रेन्स चाबहार पोर्ट के लिए डिलीवर की है। दिस इज अ पार्ट ऑफ बाइलेटरल कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन इंडिया एंड ईरान, साइन इन मई 2016 फॉर $85 मिलियन टू इक्विप एंड ऑपरेशनलाइज द पोर्ट। 2016 के अंदर, ध्यान रखना 2016 के अंदर, याद रखेंगे 2016 में इंडिया ने 85 मिलियन की डील की थी। ये आपको अमाउंट भी याद रखना है कितने मिलियन डॉलर की डील थी। तो 85 मिलियन डॉलर की डील है, और इस डील के अंतर्गत इंडिया उनको क्या करेगा, ये जो चाबहार पोर्ट है इसको ऑपरेशनलाइज करेगा और जरूरत के सारे इक्विपमेंट्स ईरान को प्रोवाइड करेगा। और ये डील 2016 के अंदर की गई थी, एक बाइलेटरल कॉन्ट्रैक्ट है। इससे क्या कर पाएगा इंडिया, इस चाबहार पोर्ट का यूज भी कर पाएगा, कॉमर्शियली यूज कर पाएगा, ध्यान रखना। लेकिन अभी बीच में इंडिया और ईरान के रिलेशन काफी हद तक डैमेज हो गए थे, उसका कई दूसरे एस्पेक्ट हैं, दूसरे कारण भी, अभी मैं वो भी डिस्कस करता हूं। तो ध्यान रखना कि जो ईरान और इंडिया है उनके बीच में कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स हो गए थे, ईरान ने भी इंडिया के खिलाफ कई सारे स्टेटमेंट दे दिए थे, जिससे कि चाबहार पोर्ट वाला जो ये हमने एक कॉन्ट्रैक्ट किया है काफी हद तक ठंडे बस्ते में चला गया था। तो अब यहाँ पर एक बड़ी राहत की बात है कि इंडिया और ईरान के रिलेशंस में, यानी कि इनकी अथॉरिटीज ने आपस में बात की है और बात करके वापस से इस प्रोजेक्ट पे वो काम करने लग रहे हैं। तो एक सबसे अच्छी या सबसे पॉजिटिव न्यूज हमारे लिए ये है कि वापस से चाबहार पोर्ट के अंदर हमको इन्वॉल्व किया गया है, और हम वापस से अपनी जो कमिटमेंट्स की हैं वो हम पूरी कर रहे हैं, ठीक है। अब ईरान और इंडिया के बीच में जो ये कॉन्फ्लिक्ट था, उसका हमने मेन, अगर हम देखें तो मेन या रीजन या कॉज हम देखें तो ईरान एंड इंडिया के बीच का जो ये कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, या थोड़ा बहुत हम कहें कि इनके बीच मनमुटाव आ गया था, तो वो मनमुटाव इसलिए आ गया था क्योंकि ईरान से इंडिया ने ऑयल परचेज करना बंद कर दिया था। उसका एक बड़ा कारण ये था कि जो हमारे ट्रम्प साहब थे उन्होंने ईरान के ऊपर 2016 के अंदर एक एक्ट पास किया, जिस एक्ट को काट्सा कहा जाता है, और ये काट्सा एक्ट जो है वो 3 देशों के साथ ट्रेड करने पर प्रतिबंध यानी कि सैंक्शन लगाता है। आप सभी लोगों को पता होगा, नहीं पता तो आप लिख लीजिए, नॉर्थ कोरिया, नॉर्थ कोरिया के अलावा रशिया, और रशिया के अलावा एक कंट्री और, वो है ईरान। इन 3 कंट्रीज के ऊपर जब भी वो ट्रेड करना चाहे, यानी कि ये लोग इनको लोगों के साथ जो भी ट्रेड करेगा उसके ऊपर भी यूएसए प्रतिबंध लगा सकता है, सैंक्शन लगा सकता है। और काट्सा एक्ट क्या है? तो काट्सा एक्ट बेसिकली एक ऐसा एक्ट है जिस एक्ट के अंतर्गत अमेरिका को ऐसा लगता है कि ये 3 कंट्रीज उन, यानी कि यूएस के लिए थोड़ी प्रॉब्लम या इश्यूज क्रिएट कर रहे हैं, इसलिए उन्होंने सेंक्शन लगा दिए थे। तो ईरान के ऊपर भी सेंक्शन लगा दिए गए। अब ईरान के ऊपर जब सेंक्शन लगे तो इंडिया अपने रिलेशन यूएसए के साथ अच्छा रखना चाहता था, ऐसी सिचुएशन में क्या हुआ, ईरान से इंडिया ने ऑयल परचेज करना कम कर दिया। अब जब आप खुद सोच लो कि अगर मैं किसी की दुकान से कोई सामान नहीं खरीदता हूं तो उसके और मेरे रिलेशन बहुत अच्छे नहीं होंगे, तो कुछ वैसे ही था, ईरान और इंडिया के रिलेशन में उतनी उतना मजा नहीं आ रहा था। तो जरूरत पड़ने पर ईरान कई सारे ऐसे स्टेटमेंट्स दे रहा था जो इंडियन इंटरनेशनल
कम्युनिटी के अंदर इंडिया की जो रिलेशंस है उनको काफी हद तक डैमेज कर रहे थे। तो ईरान के साथ एक बड़ी समस्या इंडिया को लेकर ये देखने को मिली। अब वापस से यूएस के अंदर नया एडमिनिस्ट्रेशन आया है, और जब नया एडमिनिस्ट्रेशन आया है तो इंडिया को अब ये राहत है कि ट्रंप साहब जितने सख्त थे, जितनी सख्ती उन्होंने ईरान के प्रति दिखाई थी, हो सकता है उसमें कुछ काफी हद तक बदलाव हो। ट्रंप जो जो बाइडेन का एडमिनिस्ट्रेशन है वो काफी हद तक नॉर्मलाइज करे रिलेशंस को, और ईरान को अलग नजरिए से भी देखे, ईरान के साथ बातचीत करके उनके साथ अपने रिलेशंस को वापस से स्टेबलाइज करें। अब यहां पर एक ऐसे दो तीन ऐसे इंसिडेंट हुए, जैसे ये ईरान के जनरल सुलेमानी को भी अटैक करके मार दिया था यूएस की आर्मी ने, तो वो और भी ज्यादा इनके बीच में रिलेशंस खराब हो गए थे। तो इसी हिसाब से अगर देखा जाए तो इंडिया के लिए काफी हद तक एक प्रॉब्लम या एडवर्सरी क्रिएट हो गई थी कि कैसे इस पोर्ट के ऊपर वो काम करें जिससे इनके पास रिलेशंस अच्छे हो जाए, और इस पोर्ट पर अगर काम नहीं करते तो इंडिया के लिए काफी हद तक इन्वेस्टमेंट के लिहाज से भी और स्ट्रेटेजिकली भी काफी हद तक इंडिया को डैमेज होता। लेकिन अब वापस से रिलेशन ठीक हुए हैं यूएस के। अब आने वाले कई यूएस के सेंक्शंस जो हैं आने वाले कई महीनों में हमें थोड़े हल्के दिखाई देंगे, ईजिंग दिखाई देगी, तो इसलिए जैसे ईजिंग होती है तो हम वापस से ईरान से ऑयल वगैरह परचेज करना स्टार्ट कर देंगे, ऐसा हम उम्मीद कर रहे हैं। साथ ही साथ एक डील भी थी, याद रखना, एक डील थी ईरान न्यूक्लियर डील। ये डील क्या है वो मैं लास्ट में आपको बताऊंगा कि ईरान न्यूक्लियर डील क्या है। तो ईरान न्यूक्लियर डील भी थी जिसे 2018 में अनाउंस कर दिया था ट्रंप साहब ने कि इस डील में मैं हम नहीं रहेंगे। तो ये डील काफी हद तक न्यूक्लियर से रिलेटेड थी, वो कैसे काम कर रही थी, क्या हुआ था उसके अंदर, वो भी अभी हम बात करेंगे। तो जो बाइडेन के जो एडमिनिस्ट्रेशन है उन्होंने ईरान, हमें कैसे पता चल रहा है कि इनके हिसाब से ये ईरान के प्रति थोड़ा सॉफ्ट कॉर्नर रख रहे हैं। तो जो बाइडेन का जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसने ये कहा है कि हम वापस से ईरान न्यूक्लियर डील में री एंटर करेंगे, यानी कि हम इनके साथ वापस से ये डील साइन करेंगे और चीजों को नॉर्मलाइज करेंगे। तो हमें भी अंदाजा लग रहा है कि अब पहले से बेहतर चीजें होंगी, सुधार होगा, तो हमको भी मौका मिलेगा इसमें बातचीत करने का। ये मैप आपको काफी हद तक बहुत कुछ एक पिक्चर क्लियर पिक्चर देगा। अब वेयर इज चाबहार पोर्ट, तो आपको पता होना चाहिए ये है हमारे पास क्या। तो ये आप ध्यान रखना, यह है गल्फ ऑफ ओमान, ठीक है, और यह पर्शियन गल्फ है, ठीक है, यह पर्शियन गल्फ है। चलिए अब यहां पर सर ऐसे अभी आए पेट्रोल प्राइस के ऊपर इफेक्ट है क्या? बिल्कुल, अब हमारे पास अगर हम ईरान से पेट्रोल परचेज करते हैं तो कंपेटिवली वो हमें सस्ता पड़ेगा, और सस्ता पड़ेगा तो देन फिर हमारे हो सकता है इंडिया के अंदर भी पेट्रोल सस्ता हो जाए। लेकिन ये काफी हद तक पेट्रोल की कीमत डिपेंड करती है सरकार के एक्साइज टैक्स के ऊपर भी, यानी कि सरकार एक्साइज और वैट लेती है। अगर सरकारें चाहें तो पेट्रोल की कीमत को बढ़ा या घटा सकती है अगर उनमें लिए जाने वाले टैक्सेस में वो बदलाव करें तो। अब यहां पर जो ये लोकेशन आपको दिख रही है ये है चाबहार पोर्ट। क्या है ये? चाबहार पोर्ट, और ये जो ग्रीन दिख रहा है यही ईरान है, ठीक है, याद रखना। और ये वाला पार्ट जो है इसको हम क्या कह रहे हैं, ये है पाकिस्तान, ठीक है, ये इट्स अ पाकिस्तान, ये पाकिस्तान है। अब यहां से आप देखिए हमारे दो पोर्ट काफी हद तक नजदीक दिखाई दे रहे हैं, एक कंडला और दूसरा मुंबई, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, ठीक है। तो यहां से आप देख लीजिए हमारे लिए काफी इजी हो जाएगा कि हम इससे अपने आप को कनेक्ट कर सकें, ठीक है। इससे कनेक्टिविटी करना कोई बहुत अचीवमेंट की बात नहीं, कनेक्टिविटी करके हम क्या कर लेंगे। तो इससे कनेक्ट होने के बाद हमारे लिए सेंट्रल एशिया के कई सारे रास्ते खुल जाते हैं और हम ऊपर किसी भी कंट्री के साथ जाके ट्रेड आसानी से कर पाएंगे, ठीक है, ध्यान रखना। अब सबसे अच्छा चीज यहां पर रहेगा कि हमारे लिए एक बड़ी मार्केट का एक्सेस होता है। सही मायनों में देखा जाए तो हमारे लिए प्रॉब्लम क्या है, अगर हम इस पोर्ट के थ्रू ना जाएं तो हमारे लिए क्या समस्या है? हमारे लिए समस्या है कि हमारे ऊपरी हिस्से में, यानी कि नॉर्थ के साइड देखें और हम इधर वेस्ट के साइड देखें, तो हमें एक साइड से चाइना, इधर वाले हिस्से में चाइना के से होकर गुजरना पड़ता है, जिनके साथ हमारे रिलेशन जो है वो काफी हद तक अच्छे नहीं है। दूसरा, अगर मैं आपसे कहूं कि पाकिस्तान से होकर गुजरना पड़ेगा तो ये वाला हिस्सा, तो यहां से भी हमारे हिस्से ठीक नहीं है, ठीक है, ध्यान रखना।
अभी मैं आपको इमेज दिखा दूंगा, जिन्हें इमेज नहीं दिख रही है वापस से मैं ठीक कर दूंगा, आपको दिखा दूंगा, डोंट वरी। तो अभी यहां पर कमेंट्स पढ़ रहा हूं मानव, मैं देख रहा हूं कि मेरी आपकी फोटो दिख रही है। तो यहां पर जो ऊपर वाले गुजरात वाले हिस्से में है वहां पर कंडला पोर्ट लिखा हुआ है और नीचे लिखा हुआ है मुंबई। अभी मैं दिखा देता हूं आपको, एक सेकंड में दिखाई देता हूं, ठीक है। तो ये आप अब देख रहे हैं, दिखाई दे रहा है, ये लीजिए, ये कंडला पोर्ट है और ये मुंबई पोर्ट है, ठीक है। तो ये दोनों पोर्ट से क्या होगा, हमारी जो डिस्टेंस है काफी हद तक कम हो जाएगी, ठीक है, याद रखना, बस इतनी सी बात थी वहां पे। अब यहां पर क्या कह रहे हैं कि जैसे इंडिया के लिए एक एक्सेस मिलेगा अगर हम चाबहार पोर्ट पे जाएंगे, तो हमारी डिपेंडेंसी ना ही रहने वाली है किसके ऊपर, चाइना के ऊपर, ना ही पाकिस्तान के ऊपर, क्योंकि इनके साथ हमारे बॉर्डर टेंशंस चलते हैं, जिसकी वजह से काफी हद तक हमें इश्यूज या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही हैं। अब यहां पर ईरान है, काबुल है, ये सब चक्कर क्या है इसको भी देख लीजिए। अगर हम चाबहार पोर्ट की बात करें तो चाबहार पोर्ट से एक रेलवे लाइन भी बनाई जा रही है। एक क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि चाबहार जेहदान रेल लिंक जो है वो कौन सी कंट्री के अंदर ये रेलवे लाइन या रेलवे ट्रैक हम डेवलप कर रहे हैं, तो वहां पर आपका आंसर होगा ईरान। तो ये जो चाबहार है यहां से लेकर यहां तक हमने रेल लिंक क्या करना है, डेवलप कर देना है, और इसके बाद की कनेक्टिविटी पहले से ही एग्जिस्ट करती है जो अफगानिस्तान तक, ऐसे करके काबुल तक हम चले जाएंगे। तो इस रेल लिंक से देखें और उसके बाद हम चाबहार से देखें, तो चाबहार से हम ऑलरेडी पहुंच रहे हैं चाबहार तक, कंडला पोर्ट से, मुंबई पोर्ट से, और इसके बाद यहां से करके ऊपर भी पहुंच रहे हैं। अब इससे इसी तरीके से हम ऊपर तक एक्सेस पा जाएंगे, तो हमारे लिए काफी हद तक इजी हो जाएगा ट्रेड करना भी, और काफी हद तक अदर एस्पेक्ट्स में भी हमारे पास एक एज रहेगा कि हम यहां से अपना ट्रेड को एक्सपेंड कर सकें। क्योंकि आज के टाइम पर जैसे भी इकोनॉमिक इंटरेस्ट अच्छे रहेंगे, यानी कि इकोनॉमिक इंटरेस्ट और भी कंट्रीज के साथ अगर हम डेवलप कर पाएंगे, तभी हमारा एक्सपोर्ट बेहतर होगा, और उसके लिए हमें कई सारे रूट्स डेवलप करने पड़ेंगे। तो रूट सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, वो काम हम यहाँ पर कर रहे हैं। अब यहाँ पर अगर पूछा जाए कि ये जो चाबहार पोर्ट है वो किस गल्फ के अंदर है, तो आपको ध्यान रखना है ये बेसिकली गल्फ ऑफ ओमान के अंदर है। इंडिया के कंटेक्स्ट में अगर हम देखें तो हमको सबसे पहले ये सवाल होना चाहिए कि चाबहार पोर्ट की इतनी इंपॉर्टेंस क्यों है, क्या भारत के पास और पोर्ट नहीं है, या भारत के कहीं और दूसरी लोकेशंस के ऊपर पोर्ट नहीं है, तो ऐसा क्या है। तो अभी मैंने आपको डिस्कस किया था कि अभी हमें अगर गुड्स ट्रांसपोर्ट करने हैं सेंट्रल एशिया की तरफ, तो हमारे पास पाकिस्तान या चाइना ही रास्ता बचता है। पाकिस्तान की अगर बात करें तो पाकिस्तान के साथ और चाइना के साथ रिलेशन अच्छे नहीं है, इसलिए हम गुड्स को ट्रांसपोर्ट नहीं कर पाते हैं। तो चाइना की बात कर रहे हैं, पाकिस्तान की बात करें तो इसमें हम ट्रांसपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो जिसकी वजह से हमारा जो बिजनेस का एक्सपेंशन है वो काफी हद तक रुक जाता है। तो इंडिया अब क्या करता है, इंडिया यानी कि चाबहार की लोकेशन अगर हमें मिलती है और हम वहां से चीजों को ऑपरेशनलाइज कर पाते हैं, तो अब हम पाकिस्तान को बाईपास करते हुए, जैसे मैंने कहा था ना बीच में पाकिस्तान है, इधर ईरान है और यहां पर इंडिया है, तो यहां से हम बाईपास करते हुए पाकिस्तान को अपने गुड्स का ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं टू अफगानिस्तान। अभी आपको याद होगा कुछ समय पहले इंडिया और पाकिस्तान के टेंशन्स हुए थे, बॉर्डर टेंशन्स, और दूसरा फिर वो एक पुलवामा अटैक हुआ, उसके बाद हमने बालाकोट पर स्ट्राइक की, तो वो सारे इंसिडेंट की वजह से पाकिस्तान ने इंडिया के साथ इंडिया का जो ट्रेड था वो रोक दिया था। यानी कि अब हम लोग क्या करते थे, अभी एक इस्तेमाल करते हैं रूट कि पाकिस्तान के थ्रू हम अफगानिस्तान जाते हैं और इसकी अप्रूवल हमें पाकिस्तान के एडमिनिस्ट्रेशन ले लेनी पड़ती थी, लेकिन उन्होंने उसके बाद इसको स्टॉप कर दिया और इसका यानी कि अब ट्रेड वगैरह हमने रोक दिया। और रोकने के बाद अब क्या हुआ कि अफगानिस्तान पाकिस्तान वालों ने हमें अफगानिस्तान जाने से भी रोक दिया। ऐसी सिचुएशन में अफगानिस्तान ने भाई रिक्वेस्ट करी, तो अफगानिस्तान को इंडिया के साथ ट्रेड करने की परमिशन पाकिस्तान ने दे दी, बट इंडिया को अफगानिस्तान के साथ ट्रेड करने की परमिशन पाकिस्तान ने नहीं दी। तो ऐसी सिचुएशन में हमारा ट्रेड काफी हद तक क्या होता है, नुकसान में पहुंचता है। अब ये सारे इशूज तब तक आते रहेंगे जब तक आप इसका कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं खोज लेंगे। तो ये जो हम चाबहार पोर्ट वाला काम कर रहे हैं, इसको जैसे ही ऑपरेशनलाइज किया जाएगा, इसका एक परमानेंट सॉल्यूशन हमारे सामने आ जाएगा। इंडिया विल बूस्ट, अब देखो इससे क्या होगा, इंडिया कहते हैं कि बूस्ट इंडिया एक्सेस टू ईरान।
अगर इंडिया का एक्सेस ईरान के साथ काफी हद तक इंक्रीज हो जाए तो एक हमारे लिए गेटवे हो सकता है नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर के रूप में। जैसे अगर हम देखें तो है सी रेल रूट बिटवीन इंडिया रसिया ईरान यूरोप सेंट्रल। अब देखो मैंने आपको कहा था कि हम पहले कंडला पोर्ट से या मुंबई पोर्ट से चाबहार पहुंचे, उसके बाद हमने रेलवे ट्रैक भी जेहदान तक डेवलप करने का उनको वादा किया है कि हमने उनके साथ प्रॉमिस किया। उस पर भी थोड़ा सा डिस्प्यूट बीच में आ गया था कि हम खुद ही कर लेंगे आपके पास अगर इतना समय नहीं, क्योंकि हमने काफी तक लेट लतीफी कर दी थी। तो ईरान ने जेहदान की बात करें तो जेहदान से हमने रेलवे लिंक और फिर उसके बाद कई सारे हाईवे से कनेक्ट किया गया है, कई सारी कंट्रीज को ईरान ने कर लिया। तो जिससे क्या होगा, रशिया ईरान यूरोप सेंट्रल एशिया की कई सारी कंट्रीज, उज्बेकिस्तान तुर्कमेनिस्तान इस तरीके की जो कई सारी कंट्रीज हैं उनका एक्सेस इंडिया को मिल जाएगा और ये ट्रेड के लिहाज से काफी हद तक हमारे लिए खुशनुमा यानी कि अच्छा रहेगा। अब यहां पर अगर हम इसको स्ट्रेटेजिकली देखें तो मैंने अभी आपको समझाया था, आपको याद होगा कि जैसे एक मैप में आपको दिखाता हूं तो काफी हद तक आपको क्लियर हो जाएगा। अब देखिए मैप के अंदर अगर हम देखेंगे तो एक बढ़िया वाला पार्ट देख सकते हैं, ये लीजिए आपको याद होगा कि ये जो हिस्सा है ये पाकिस्तान का हिस्सा है, यहां पर एक ग्वादर पोर्ट भी है, ठीक है ग्वादर पोर्ट, और एक मैंने ऐसे करके ना रोड बना दी, ये हाईवे देखिए, ये हाईवे सीपेक के नाम से जाना गया। किस नाम से जाना गया, सीपेक यानी कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के नाम से जाना गया। ये क्या है, ये पाकिस्तान को चाइना के साथ कनेक्ट करता है, या फिर हम इसको दूसरे वर्जन में ऐसे भी कह सकते हैं चाइना को अरेबियन सी का एक्सेस देता है। किसका देता है, अरेबियन सी का एक्सेस देता है। अब अरेबियन सी का एक्सेस देता है तो कल को मान लीजिए चाइना इस अरेबियन सी के अंदर अपनी मिलिट्री यानी कि अपनी नेवी वगैरह जो है वो यहां पर डॉक करना शुरू कर दे, उसके अपने वेसल्स वगैरह यहां पर भेजना शुरू कर दे, या फिर वो लोग अपनी प्रेजेंस ज्यादा हद तक दिखाने लगे, तो इंडिया इसको काउंटर कैसे कर सकता है। तो इंडिया के काउंटर करने के लिए एक तो हमारे पास एक तरीका यह है कि हम इधर से काउंटर कर सकते हैं मुंबई वाले एरिया के पास से, ये वाले इधर इधर से, और दूसरा हमारा गुजरात वाला जो एरिया है हम यहां से काउंटर कर सकते हैं। लेकिन अगर हमारे पास ये भी लोकेशन रहती है तो हमारे लिए इनको दोनों साइड से ब्लॉक करना काफी हद तक आसान रहेगा, जिससे ये लोकेशन काफी हद तक सेफ रहेगी। अदरवाइज क्या होगा कि मान लीजिए यहां तक चाइना वाले आए तो फिर ये वाला हिस्सा हमसे काफी हद तक डिस्कनेक्ट कर देंगे, और जब वो डिस्कनेक्ट कर देंगे तो ऐसी सिचुएशन में हम उनके साथ कनेक्टिविटी डेवलप नहीं कर पाएंगे, यानी कि इस वाले हिस्से से हमको काफी हद तक कट कर दिया जाएगा। तो जब चाबहार पोर्ट हमारे हाथ में रहेगा तो हम यहां पर चाइना को ब्लॉक कर सकते हैं, और इसकी अगर डिस्टेंस देखें तो बाई रूट इसकी डिस्टेंस ग्वादर पोर्ट की डिस्टेंस जो है वो 400 किलोमीटर है, लेकिन सी रूट के माध्यम से देखें सी से तो सी से इसकी डिस्टेंस जो है वो केवल 100 किलोमीटर, तो काफी नियर है पास में ही है। तो अब यहां पर हमारे लिए काफी तक एक मौका है कि हम जो जो एक एक्स्ट्रा एडवांटेज या एक्सेस पाकिस्तान की हरकत की वजह से चाइना को अरेबियन सी में मिलेगा वो एक्सेस अब नहीं मिल पाएगा इनको, ठीक है यानी कि वो जो एक्सपेंशन कर सकते थे और काफी हद तक विस्तार कर सकते थे चाइना वाले अपनी नेवल का अपनी नेवल फोर्सेस का, वो अब यहां पर उतनी तेजी से नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो लॉजिक आपको समझ में आ गया कि ये स्ट्रेटेजिकली काफी हद तक इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट है। देखो यहां पर लिखा भी है, मैंने इस चीज को यहां पर नोट भी करा दिया है, आप देख सकते हैं कि इट ऑल्सो हेल्प इंडिया काउंटर चाइनीज प्रेजेंस इन द अरेबियन सी विच चाइना इज ट्राइंग टू इंश्योर हेल्पिंग पाकिस्तान डेवलप द ग्वादर पोर्ट। तो अब यहां पर देखना इसके लिए इंडिया ये जो चाइना है वो पाकिस्तान को काफी हद तक हेल्प भी कर रहा है कि ग्वादर पोर्ट को हम इतना अच्छा बना देंगे, स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट है उसके लिहाज से भी। अगर उनके लिहाज से सोचो तो उनकी कंट्री कहाँ एग्जिस्ट करती है और उसके बाद वो अरेबियन सी में भी एक्सेस पा जाए कोई अपनी ऐसी चाल चल के कोई षड्यंत्र करके, तो ये तो बहुत बड़ी बात हो गई है कि नहीं। तो ग्वादर पोर्ट का चक्कर यहां पर इस तरीके से है, तो ग्वादर पोर्ट से चाबहार पोर्ट की डिस्टेंस केवल 100 किलोमीटर है, लेकिन बाई रोड है ये 400 किलोमीटर का, क्योंकि उस तरीके से रोड डेवलप की गई है। तो यहां पर ईरान और इंडिया के बीच में हम ग्वादर पोर्ट को क्या कर सकते हैं, ब्लॉक कर सकते हैं, जिससे जिस मंसूबे से
ये साहब आएंगे यानी कि चाइना वाले आएंगे, उनको काफी हद तक कंट्रोल किया जा सकता है। फिर कहते हैं कि चाबहार पोर्ट का इस्तेमाल सेंट्रल एशिया के अंदर अगर देखा जाए तो ह्यूमैनिटेरियन ऑपरेशंस के लिए भी किया जा सकता है। जैसे कई सारे ऑपरेशंस हम कंडक्ट करते हैं, कई बारी क्या करते हैं कि हमारी फोर्सेस किसी दूसरी कंट्रीज में जाके पीस कीपिंग करती हैं, यानी कि उनकी शांति करती से श्रीलंका वगैरह में जाती है, मालदीव जाती है। तो ह्यूमैनिटेरियन, अभी हमने क्या किया है कि कई सारे सेतु समुद्रम के योजनाओं के अंतर्गत ये हमने लॉन्च की, जिसके अंतर्गत हमने कई सारी कंट्रीज को हेल्प किया। लेकिन कल को जरूरत पड़े कि कई सारे हमें लोगों को कहीं से निकालना हो, बचाना हो, या कहीं पर इस तरीके की कोई कई बार क्या होता है तख्ता पलट काइंड ऑफ कुछ भी ऐसा हो जाता है, तो उनमें ह्यूमैनिटेरियन ऑपरेशंस को कंडक्ट करना और फिर सेंट्रल एशिया तक एक्सेस पाना इंडिया के लिए काफी हद तक इजी हो जाएगा, और उससे फिर ये हम ह्यूमैनिटेरियन ऑपरेशंस को भी आसानी से कंडक्ट कर सकते हैं। चाबहार पोर्ट हम जब डेवलप कर देंगे और हमारे रिलेशन इंडिया के थोड़े से अच्छे हो जाए ईरान और इंडिया के, तो हम इस पोर्ट पर एक मिलिट्री बेस के रूप में भी देख सकते हैं, अगर ईरान और इंडिया एक मिलिट्री अलाई बनते हैं तो। हालांकि ये काफी हद तक दूर की बात है, हमें वो वाला एक्सेस तो मुश्किल ही मिले, लेकिन पॉसिबिलिटीज ऐसी हैं कि ईरान और इंडिया, क्योंकि आजकल बहुत सारी एग्रीमेंट्स होते हैं, जैसे मैंने आपको पीछे पढ़ाया हुआ एक एग्रीमेंट मालसा एग्रीमेंट, म्यूचुअल लॉजिस्टिक सपोर्ट एग्रीमेंट, उस एग्रीमेंट के अंतर्गत इंडिया और ऑस्ट्रेलिया आप एक दूसरे के अपने बेसिस का इस्तेमाल करेंगे, नेवल बेस वगैरह जो होते हैं उनका यूज कर सकते हैं। तो उसी तरीके से अगर हमको ऐसी कोई आजादी ईरान के साथ मिलती है, या कल को हम कोई ट्रीटी एग्रीमेंट ईरान के साथ कर लेते हैं, तब तो फिर ये जो चाबहार पोर्ट है ये काफी हद तक जोरदार होने वाला है। फिर तो हम ये कह सकते हैं कि इसके सारे पैसे वसूल लेंगे। चाबहार पोर्ट कुड बी यूज इन द केस चाइना डिसाइड टू फ्लैक्स द नेवी मसल्स। तो अभी मैंने जो आपको पढ़ाया कि जो चाइनीज नेवी है, जो खासकर ग्वादर पोर्ट के थ्रू अरेबियन सी का एक्सेस पा जाती है, और फिर अरेबियन सी तक ही अपने आप को सीमित नहीं रखेगी उनकी नेवी, वो इंडियन ओशन में घुसने की कोशिश करेंगे, वो पर्शियन गल्फ पर जाकर अपना धाक जमाएंगे, क्योंकि वो बहुत ही पावरफुल नेवी। तो जो पर्शियन गल्फ की कंट्रीज हैं, इंडियन ओशन की जो छोटी छोटी कंट्रीज हैं, और जो अफ्रीकन कंट्रीज हैं, उन सभी कंट्रीज की ताकत नहीं है कि उसको रोक सके। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर इंडिया का वहां पर प्रेजेंस देना और अपने आप को मजबूती से रखना ये काफी हद तक जरूरी है, जो इंडिया अभी चाबहार पोर्ट के पॉइंट से एक स्ट्रेटेजिक बना के वहां पर अपने आप को रख रहा है। लेकिन अगर ये काम पीछे काफी हद तक डगमगा भी जाता है, क्योंकि इनके रिलेशंस क्या होते हैं, अप एंड डाउन होते रहते हैं, तो जिसकी वजह से ये इंडिया वाले कभी कभी रिलेशन खराब भी कर बैठते हैं। तो जो खराब पीछे हुआ उसमें अब बात वही है कि जैसे मान लीजिए आपके दो दोस्त हों और एक दोस्त गरीब हो एक दोस्त अमीर हो, तो आपसे कहा जाए कि अमीर दोस्त ये कहते हैं कि गरीब वाले से बात मत करना, तो कई बार अमीर वाले दोस्त की आप इन्फ्लुएंस हो जाते हैं कि यार ये मुझे कुछ नहीं तो चाट पकौड़ी खिलाएगा, है कि नहीं है, कुछ नहीं तो मुझे मूवी दिखाने ले जाएगा। तो इसके चक्कर में कई बार हम गरीबों को अनदेखा कर देते हैं, तो यहां भी होगा, जबकि स्ट्रेटेजिकली काफी हद तक इम्पोर्टेंट। लेकिन हम ये भी नकार नहीं सकते कि यूएसए ने भी हमें काफी हद तक, जो ट्रंप का प्रशासन था, एडमिनिस्ट्रेशन था, उसने काफी हद तक इंडिया को हेल्प भी की है कई मामलों के अंदर, और इंटरनेशनल कम्युनिटी के अंदर इंडिया को काफी हद तक उन्होंने प्रेज भी किया, मोदी जी को भी प्रेज किया, और इंटरनेशनल लेवल के ऊपर जो आज हमारी इज्जत इतनी बन रही है उसमें ट्रंप साहब का भी काफी हद तक हम कह सकते हैं, थोड़ा बहुत, काफी हद तक तो नहीं, क्योंकि क्या कमेंट सेक्शन में सभी लोगों को मेरे कमेंट्स मतलब दिखाई दे रहा है, कोई दिक्कत कोई परेशानी, आवाज वगैरह कट तो नहीं रही है, अगर कट रही है तो बता दो, हाँ सब ठीक चल रहा है। तो ये पर्शियन गल्फ और इंडियन ओशन और मिडिल ईस्ट का इनको एक्सेस ना मिल सके, इसलिए हमने ये काम करना स्टार्ट कर रखा है। ठीक है, ध्यान रखना। ट्रेड के हिसाब से अगर हम देखें तो एक बड़ी चीज हमें यहां से ये दिखाई देती है, वो ये कि चाबहार पोर्ट जैसे ही फंक्शन होगा तो इंडिया का जो ट्रेड है काफी हद तक आयरन को लेकर, शुगर को लेकर, राइस को लेकर, ये काफी हद तक बूस्ट करेगा, क्योंकि इसके अंदर हम सरप्लस प्रोडक्शन करते हैं। और अभी तो हम आयरन वगैरह को लेकर अगर बात करें कि वो सारी चीजें अगर हम देखें तो हम ये काम करते हैं, हमने अभी मैंने आपको एक रिपोर्ट पढ़ाई होगी जिस रिपोर्ट के अंदर चाइना के एडमिनिस्ट्रेशन ने वो रिपोर्ट जारी की थी, जिसमें हमने डिस्कस किया था कि चाइना का जो बेसिकली ट्रेड है वो काफी हद तक डिक्लाइन किया है इंडिया के साथ, और डेफिसिट भी डिक्लाइन किया है,
तो उसके एक कारण मैंने आपको बताया था कि दे आर डेवलपिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, तो इंफ्रास्ट्रक्चर में वो उनको आयरन की डिमांड हो रही है, तो ये जो आयरन ओर वगैरह है उनकी जरूरत उनको पड़ रही है, तो इससे हम इसको एक्सपोर्ट में बदल रहे हैं, यानी कि हम काफी हद तक इसको बढ़ा रहे हैं। तो ऐसी सिचुएशन में अगर हम देखें तो चाबाहार पोर्ट क्या होगा, तो चाबाहार पोर्ट की बात करें तो चाबाहार पोर्ट के चक्कर में हम फिर ऊपर जब कभी इधर उधर सामान वगैरह भेजेंगे ये सब करेंगे, तो ऐसी सिचुएशन में हमारा सुगर, राइस, आयरन और जिन भी चीजों का हम अगर देखें, जिन भी चीजों को अगर हम देखें जो हमें एक्सपोर्ट कर सकते हैं, क्योंकि हमें एक बड़ी मार्केट का एक्सेस हो जाएगा, तो ट्रेड का बेनिफिट हमें काफी हद तक वहां से दिख रहा है। अब जैसे जैसे हमारे रिलेशंस ईरान के साथ अच्छे हो जाएंगे, ईरान एक ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री भी है, ओपेक का भी हिस्सा है, तो यहां पर सबसे जरूरी चीज ये है कि इससे हम वापस से जब इनके साथ रिलेशन अच्छे कर लेंगे और ज्यादा अच्छे कर लेंगे, और यूएस वगैरह अपने जो काटसा के अंतर्गत जो इन्होंने सैंक्शंस लगाए हैं, जैसे ही इनको हटाया जाएगा और काफी हद तक हटाने की बात चल रही है, और इंडिया ने भी धीरे धीरे इनके साथ ऑयल परचेज करना शुरू कर दिया, क्योंकि अब उन इंडिया को भी लगने लगा है कि अभी ये चीजें नॉर्मलाइज हो जाएंगी तो अपने क्यों पंगा लेना है। तो ईरान के ऊपर जैसे सैंक्शन हटेंगे तो हम ऑयल यहां से परचेज करें, तो डिस्टेंस कम होने की वजह से ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी कम आएगी, तो जब ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम आएगी तो काफी हद तक हमें ऑयल पहले की तुलना में सस्ता पड़ने वाला है। फिर मैंने अभी आपको बताया था कि एक डील है जिसके चलते ये उम्मीद किया जा रहा है, उम्मीद क्या कर रहे हैं हम, उम्मीद ये कर रहे हैं कि जो ट्रंप का प्रशासन था या ट्रंप का जो पूरा सिस्टम था, उस सिस्टम के अंतर्गत अगर देखा जाए तो एक बेसिकली इन्होंने ना एक एग्रीमेंट किया हुआ था, और उस एग्रीमेंट को हम लोग न्यूक्लियर एग्रीमेंट के नाम से जानते थे, ईरान के साथ किया, P5+1 कंट्रीज थी। तो अभी ईरान क्या कर रहा है, ईरान काफी हद तक चर्चा में था, अभी रिसेंटली चर्चा में इसलिए भी था, उसका एक बड़ा रीजन ये था कि यूरेनियम को एनरिच करना उन्होंने शुरू कर दिया था 20% तक, यानी कि यूरेनियम एक एग्रीमेंट होता है, एग्रीमेंट के अंतर्गत अगर यूरेनियम का एनर्जी के पर्पज से यूज करना है तो यूरेनियम को 3-4% के बीच ही एनरिच करना चाहिए, यानी कि उसको इतना रेडी करना चाहिए। लेकिन इन ससुरों ने क्या करना शुरू कर दिया, 20% तक उसको कर दिया। तो ईरान के ऊपर ऐसा, और यूएसए बार बार इस चीज को लेकर इन्हें क्रिटिसाइज करता रहा है कि जो डील ईरान ने की थी हमारे साथ 2015 के अंदर, उसमें कुछ ऐसा ही था कि ईरान अपने यहां पर यूरेनियम को जो एनरिच करेगा उसका पर्पस जो होगा वो केवल यानी कि उसको न्यूक्लियर वेपन्स बनाने के लिए इस्तेमाल नहीं करेंगे वो, बल्कि उसका एनर्जी रिसोर्सेज यानी कि पब्लिक वेलफेयर के लिए इस्तेमाल करेंगे। तो अभी 2015 की जो इस न्यूक्लियर डील है उसको काफी हद तक इन्होंने क्या किया है, ऐसा मानते हैं कि उसको नहीं मानते हुए अब यूरेनियम पर ज्यादा काम कर रहे हैं, और ईरान पर काफी हद तक ऐसी उम्मीद भी की जा रही है कि जो बाकी कंट्रीज हैं वो ऐसा उन्हें शक हो रहा है कि भैया ये लोग क्या कर रहे हैं, ये लोग यूरेनियम पर काम करके न्यूक्लियर वेपन्स वगैरह बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अभी कुछ दिनों पहले ईरान ने एक हरकत भी की जनवरी के अंदर कि साउथ कोरियन फ्लैग जो टैंकर था उसको सीज कर लिया अपने पास ही, ठीक है, और जो कि नियर अबाउट स्ट्रेट ऑफ हॉर्मेज के बीच में था, पास था। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मेज आपको कहां मिलेगा, तो गल्फ ऑफ ओमान एक साइड था और एक साइड पर्शियन गल्फ था, और छोटी सी एक बॉर्डर बॉडी है जो एक दूसरे को कनेक्ट करती है, उसी को हम बोलते हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मेज, ठीक है, ध्यान रखना। अब जब साउथ कोरियन टैंकर को इन्होंने सीज कर लिया तो ऐसी सिचुएशन में एक न्यूक्लियर पावर्ड एयरक्राफ्ट है यूएसए का विच इज नेम्ड निमिट्स, इसका इस्तेमाल अभी पैसेज एक्सरसाइज में भी किया गया था, याद होगा आपको। तो जो ये न्यूक्लियर पावर एयरक्राफ्ट है जो निमिट्स है उसको गल्फ रीजन में ही रखने के लिए, यानी कि इन्होंने सोचा कि हम यूएसए वालों ने सोचा कि हम लोग इसको वहीं पर रखते हैं, क्यों रखते हैं, जिससे जिस तरीके की हरकतें ईरान कर रहा है, किसी साउथ कोरियन टैंकर को आपने अपने पर्टिकुलर सीज कर लिया उन्होंने, और उसका रीजन भी उन्होंने ये दिया कि भाई साहब ये हमारी टेरिटरी में आए हुए हैं, ऐसा कुछ कुछ वो करते हैं ना, जो वो वाला जो हर सीज करने के बाद हर कंट्री बोलती है वैसा ही कुछ।
तो इससे परेशान होकर यूएसए ने ये जो एयरक्राफ्ट कैरियर निमित्स है इसको वही पर्टिकुलर लोकेशन पर रखा हुआ है उसी के आसपास, और ये जनवरी का इंसिडेंट है, पुराना इंसिडेंट नहीं है, इसी साल जनवरी का, तो जिससे कि वो काफी हद तक क्या कर सके, धमका सके, किसको? ईरान को। न्यूक्लियर वेपन की बात कर रहा था इस डील के अंतर्गत, तो ध्यान रखना कि दो तरीके की एनरिचमेंट की जा सकती है। न्यूक्लियर रिएक्टर्स के लिए उसको यूरेनियम को 3 से 4% तक एनरिच करना, यानी कि लो एनरिच यूरेनियम, यानी कि सबसे कम करना पड़ता है, ठीक है, तो बहुत कम एनरिचमेंट करनी पड़ती है। लेकिन जब न्यूक्लियर वेपन्स बनाने हों तो इसकी एनरिचमेंट 90% तक करनी पड़ती है, तो हाईली एनरिच्ड यूरेनियम की जरूरत पड़ती है, ठीक है, और इसको लो एनरिच्ड यूरेनियम के नाम से जाना जाता है। तो जो न्यूक्लियर डील है, ईरान न्यूक्लियर डील है, वो ये वाला काम करने की अनुमति देता है ईरान को, ठीक है, ध्यान रखना। ईरान और कोरिया, साउथ कोरिया का टैंकर ईरान ने सीज कर दिया था, वो वहां पर बताई गई बात, ठीक है, ध्यान रखना। तो अब यहां पर अगर कहा गया तो न्यूक्लियर वेपन्स बनाने के लिए अब वो कह रहे हैं कि 20% तक एक्सप्लोर कर रहे हैं, यानी एनरिच कर रहे हैं, ऐसा हर मतलब कई सारी कंट्रीज ब्लेम कर रही हैं ईरान को, और ऐसा माना जा रहा है कि ईरान छिपकर ये न्यूक्लियर वेपन्स का पूरा कोई सिस्टम डेवलप कर रहा है, जो कि वर्ल्ड के लिए काफी हद तक खतरा है। ऑब्वियसली बात, क्योंकि ईरान के रिलेशन वेस्टर्न कंट्रीज के साथ अच्छे नहीं है, तो अगर अच्छे नहीं है तो इस सिचुएशन के अंदर ध्यान रखना कि एक बड़ी समस्या ये है कि कल को अगर इन्होंने न्यूक्लियर वेपन बना लिए तो बड़ी समस्या हो जाएगी। तो ऐसी सिचुएशन में जो P5 कंट्रीज हैं, P5 कंट्रीज मतलब यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर 5 देश हैं, वो 5 देश ये काफी हद तक चाहते हैं कि भैया ऐसी कोई हरकत आपस में तो कम से कम ना ही होने पाए, क्योंकि तो कल को पता नहीं ईरान ने अगर इसको डेवलप कर दिया तो 2-4 बम मार के 2-4 देश तो उड़ा ही देने उसमें, क्योंकि तो इन कंट्रीज के अंदर दूसरा प्रॉब्लम ये है ना कि ईरान जो इस्लामिक कंट्रीज काफी हद तक इधर है तो वहां पर टेररिज्म का भी काफी हद तक बोलबाला है। तो अगर देखो कंट्री के पास रहेगी तो काफी तरह रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी, लेकिन अगर कंट्री के साथ नहीं है वो ऐसे वेपन्स और वो कहीं टेररिस्ट के हाथ में लग गए तो बड़ी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो इसलिए जो बड़ी कंट्रीज है वो ये चाहती है कि कई, और अब हमारे यहाँ न्यूक्लियर रिडक्शंस ट्रीटी चलती है, जैसे इतने न्यूक्लियर वेपन्स डेवलप किए जा चुके हैं रशिया के द्वारा, यूएसए के द्वारा, दुनिया को 4 बार तबाह भी करते तब भी बच जाएंगे, तो इनके इनके बीच में न्यूक्लियर रिडक्शन ट्रीटी साइन है, मतलब अब हम और नहीं बनाएंगे बल्कि नष्ट करेंगे जो बना दिए हैं, ठीक है, ऐसे साल दर साल नष्ट किए जाएंगे। पाकिस्तान और इंडिया भी उन्हीं में आता है कि पाकिस्तान और इंडिया के पास भी बहुत सारे न्यूक्लियर वेपन्स हैं, 150 के आसपास इंडिया के पास है और 160 हमसे ज्यादा न्यूक्लियर वेपन्स हैं, जो रिपोर्ट अभी सिप्री ने पब्लिश की थी न्यूक्लियर वेपन्स को लेकर, उस रिपोर्ट में कहा भी था कि इंडिया के पास 150 न्यूक्लियर वेपन्स है और उनके पास 160। ये डेटा वो डेटा है जिसके बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है, अब कितनी सच्चाई है, क्योंकि न्यूक्लियर वेपन्स को लेकर अब कितनी सच्चाई है ये तो रिपोर्ट्स में पब्लिश शायद ही हो पाती हो, मेरे हिसाब से तो उतनी क्रिस्टल और क्लियर रिपोर्ट्स नहीं आ पाती हैं। तो यहां पर न्यूक्लियर को एनरिच करना है 3 से 4%, न्यूक्लियर डील ये कहती है, लेकिन ये ससुरे 20-20% तक चले जा रहे हैं, तो अब सब पैदा हो जा रहा है बाकी कंट्रीज को कि भैया ये कहीं न्यूक्लियर वेपन बनाने के चक्कर में तो नहीं है, तो इसी लिए सामने वाले कंट्री पर शक हो रहा है। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए 2018 के अंदर, 2018 में यूएसए ने ये अनाउंसमेंट कर दिया था कि वो अब ये जो 2015 में न्यूक्लियर डील साइन हुई थी ईरान के साथ, इस डील का हिस्सा नहीं रहेंगे, ठीक है, और ये डील जो 2015 में ईरान के साथ साइन हुई इसमें कौन कौन कंट्रीज थी, तो P5 कंट्रीज का मतलब यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की P5 कंट्रीज, तो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में जो कि इंटरनेशनल पीस के लिए रिस्पॉन्सिबल है पूरे वर्ल्ड में, तो कितनी कौन कौन सी कंट्री है, तो आपको पता ही है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में यूएसए आता है, यूके आता है, फ्रांस आता है, चाइना आता है, रशिया आता है, तो ये हो गई 5 कंट्रीज। इसके अलावा जर्मनी भी इसके अंदर था, ठीक है, तो 6 कंट्रीज प्लस ईरान, इन लोगों ने मिलकर एक डील साइन की और न्यूक्लियर प्रोग्राम के लेकर, और इस डील को क्या नाम दिया, ज्वाइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन, फिर से सुन लीजिए,
ज्वाइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन, इसके अंतर्गत अगर देखा जाए तो ईरान को इस बात के लिए कहा गया था कि ईरान अपनी न्यूक्लियर एक्टिविटीज जो है वो, यानी कि जो न्यूक्लियर वेपन बनाने वाली एक्टिविटीज हैं, उनको रोकेगा और यूरेनियम का इस्तेमाल पब्लिक वेलफेयर के लिए करेगा, उस पर्पस से यहां पर बनाया गया था। ठीक है, ध्यान रखना। तो 2015 के अंदर ये डील साइन हुई थी। अब 2018 में जब ऐसा लगा कि यार ये तो छिप छिप के न्यूक्लियर वेपन बना ही रहे, तो यूएसए गुस्सा हो गया, उसने 2018 में इस डील से बाहर निकल दिया। लेकिन अभी वापस से जो बाइडेन का एडमिनिस्ट्रेशन ये कह रहा है कि इस डील को हम वापस से ज्वाइन कर लेंगे और ईरान को समझाएंगे, क्योंकि इससे वापस बाहर निकल आना हमारा सोल्यूशन नहीं है। बातचीत करके अगर कोई सोल्यूशन निकलता है तो दैट इज मतलब दैट इज मोर बेटर, और अगर अच्छा होगा तो हम ऐसे ही काम करेंगे, है कि नहीं है? तो 2015 के अंदर ये जो न्यूक्लियर डील है, उस डील का नाम आपको याद रखना है, कौन कौन कंट्रीज के साथ, काफी हद तक ये इंपॉर्टेंट भी है और इसके बारे में आपसे सवाल भी पूछे जा सकते हैं कि कौन सी कंट्रीज ने इसको साइन किया है, कितनी कंट्रीज हैं और इसका नाम क्या है, और अभी वापस से ये जो चलने वाली है डील, इसके अंदर क्या क्या शर्तें थी, ऐसा कुछ कुछ पूछ सकते हैं। पहले भी मैंने ये डील आपको पढ़ाई हुई है, ठीक है? तो अगर आप सभी लोगों को समझ आ गया है तो एक बार कॉमेंट सेक्शन में यस कर दीजिए, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगर डाउट है तो कॉमेंट में लिख दीजिए, फटाफट में एक बार देख लेता हूं, फिर मैं आगे के टॉपिक को कंटिन्यू करता हूं। एक तो सभी लोग पहले क्या कर देंगे, कमेंट सेक्शन में कमेंट तो कर ही रहे हैं आप, इसको लाइक वाइक भी कर दीजिए जल्दी से फटाफट। हाँ जी ठीक है, चलिए तो उम्मीद करते हैं सबको समझ आ रहा है। ओके 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 ओके, तो अब हम चलते हैं। हाँ ठीक है, ओके, जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव, यस ठीक है, ईरान, ओके ठीक है। अब हमारा आज का टॉपिक, दूसरा टॉपिक क्या है, स्टेटहुड डे अरुणाचल प्रदेश एंड मिजोरम। तो ये टॉपिक है बेसिकली आज का, ठीक है? तो क्या है इसमें, स्टेटहुड डे का मतलब होता है राज्य दिवस, ठीक है? ओके, आप बतिया नहीं रहे हो क्या, क्या बात है, आज बतिया नहीं रहे हो आज यार, सुबह सुबह ना इतनी तैयारी से आप उठी है, उसके बाद फिर इस तरीके से आपको इधर उधर भागना पड़े और तो फिर थोड़ा सा डिस्टर्बेंस तो हो ही जाता है कि नहीं है। मान लीजिए किसी के ब्याह में आप गए और आपके मन माफिक आपसे कह दे कि यहाँ खाना नहीं है, 2 किलोमीटर दूर खाना लगा हुआ है, तो हाउ यू विल फील, हैं? तो आपको कैसा लगेगा, ये लगेगा बै यार। तो वैसे ही मान लीजिए मैं लाइव हो गया या तो स्टार्टिंग से मैं यही पढ़ा रहा होता तो उस हिसाब से तो मेरे को दिक्कत नहीं होती, लेकिन मैं पहले वहां था फिर उसके बाद यहाँ आया, तो काफी हद तक ना मूड का दही हो जाता है। लेकिन चलो कोई बात नहीं, शांत रहना है इंसान को, है कि नहीं है, सब चलता है। आ जाओ आ जाओ, अमन हंस रहा है, चीखे बाहर आ रही हैं लड़कों की, कोई बात नहीं, होता है होता है बेटा, तुम्हारी जिंदगी में भी होगा, तुमको पता चलेगा, अभी नहीं। सर पीडीएफ कहाँ मिलेगा, आज खुद ही उठे हो लगता है, किसी ने उठाया नहीं है तुमको, ना सुताई कर दूंगा मैं तुम्हारी, बता रहा हूँ, हरकतें करोगे तुम अगर, ओहो इसलिए, अरे कोई ना, हाँ हाँ ठीक है ठीक है, अच्छा नहीं लग रहा है आज क्यों, क्या हो गया, छोड़ गई क्या वो क्यों अच्छा नहीं लग रहा, मैं भी शांत रहूंगा आपसे, नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, शांत रहने की जरूरत नहीं है, ये इसमें अमर को अच्छा नहीं लग रहा, पता नहीं क्यों नहीं अच्छा लग रहा, उसकी तो आंसू आंसू बाहर आ गए। तुम लोग भयंकर इमोजी का इस्तेमाल करो, जिसने भी इमोजीज बनाई है ना महान छिछोरा रहा होगा। आ जाओ, स्टेटहुड डे ऑफ अरुणाचल प्रदेश एंड मिजोरम, ये अब हमने देखना है कि ये क्या चक्कर है। तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम के लोगों को 35वें यानी कि 35th स्टेटहुड डे की क्या दी है, 30 सुबह सुबह वो उठा दे, ठीक है चलो आ जाओ आ जाओ, 35th स्टेटहुड डे की क्या दी है भैया, शुभकामनाएं दी है, विश किया है लोगों को वहां के कि आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, भारत का हिस्सा बने आप, और बहुत अच्छी बात है। मिजोरम जो है वो भारत का 23rd स्टेट ऑफ इंडिया बना ऑन द सेम डे, इसी डे के ऊपर, और विद द 53 अमेंडमेंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आप लोग सभी लोग लिख सकते हैं कि भारत का 23वां राज्य कौन सा है, तो भारत का 23वां राज्य मिजोरम बना, जिसके लिए 53 अमेंडमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इन 1986 में किया गया, 1986 में किया गया, ठीक है ध्यान रखो। दूसरा ऐसा ही एक अमेंडमेंट 55th अमेंडमेंट यानी कि 55वां अमेंडमेंट था, जिसके अंतर्गत 1986 में यह भी अमेंडमेंट हुआ
अरुणाचल प्रदेश बिकेम द 25th स्टेट ऑफ द इंडियन यूनियन ऑन 25th फरवरी 1987। अब ध्यान रखना अमेंडमेंट 1986 में हुआ, लेकिन भारत में नोटिफिकेशन हमारे राष्ट्रपति जी ने कब जारी किया, तो 20 फरवरी 1987 में। तो इसीलिए 20 फरवरी 1987 में भारत का हिस्सा अरुणाचल प्रदेश बना। तो हम कुल मिला के ये कह सकते हैं कि 1986 में दो अमेंडमेंट हुए, एक 53 अमेंडमेंट जिससे मिजोरम राज्य को भारत में शामिल किया गया, मिजोरम को राज्य का स्टेटस मिला और भारत में शामिल भी किया गया। दूसरा एक 55th अमेंडमेंट जिससे इंडिया के अंदर अरुणाचल प्रदेश को शामिल किया गया था, और ये कब हुआ तो आप याद रखना ये 1986 के अंदर ही दोनों अमेंडमेंट हुए। अब यहां पर हमको क्या समझना है कि ये इसके अंदर, क्योंकि कुछ ना इंपॉर्टेंट कुछ फैक्ट्स होते हैं उनको थोड़ा सा देखना पड़ेगा। इसकी ज्योग्राफिकल लोकेशन अगर हम देखें तो हमें काफी हद तक आगे सब कुछ क्लियर रहेगा। पहला तो ये है अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। अगर मैं आगे आपसे पूछूंगा तो आप ध्यान रखना कि कौन कौन कंट्रीज किसके साथ लैंड बॉर्डर शेयर करती है, मैं यहीं पर डिस्कस कर देता हूं, आगे भी हम एक बार इसको रिवाइज कर लेंगे। दूसरा मैं इस राज्य की बात कर रहा हूं, मिजोरम की, ठीक है। फिर से सुन लीजिए, मैं अरुणाचल प्रदेश की बात कर रहा हूं और मिजोरम की बात कर रहा हूं। आज हम अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम के स्टेटहुड डे पर बात कर रहे हैं। सबसे पहले मैं अरुणाचल प्रदेश लेता हूं, तो अरुणाचल प्रदेश जो है कितनी कंट्रीज के साथ लैंड बॉर्डर शेयर करता है, यानी कि लैंड बॉर्डर शेयर करने का मतलब है कि कितनी इंटरनेशनल बॉर्डर है। तो आप कहेंगे एक तो भूटान है और दूसरी कौन सा है, तो दूसरा है आपका चाइना, ठीक है, खासकर तिब्बत रीजन ऑफ चाइना, यानी कि जो चाइना का तिब्बत रीजन है उसके साथ ये लैंड बॉर्डर शेयर करता है। इसके अलावा क्या है, तो ये कंट्री के अंदर कितनी स्टेट्स के साथ लैंड बॉर्डर शेयर करता है, तो यहां पर आप देख सकते हो कि अरुणाचल प्रदेश जो है वो आसाम के साथ, और आसाम के साथ साथ ये नागालैंड के साथ अपने लैंड बॉर्डर शेयर करता है। तो आपको इसकी ज्योग्राफिकल लोकेशन का अंदाजा हो गया। और यहां पर एक बात और ध्यान रखना, अरुणाचल प्रदेश और चाइना के बीच जो बॉर्डर है उस बॉर्डर को, यानी कि उसी लाइन को हम मैकमोहन लाइन कहते हैं। क्या कहते हैं? मैकमोहन लाइन भी कहते हैं। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो हमने यहां पर देख लिया कि भैया अरुणाचल प्रदेश आसाम के साथ और नागालैंड के साथ अपने बॉर्डर शेयर कर रहा है। उम्मीद कर रहे हैं कि यहां पर इतनी बातें आप क्लियर कर चुके होंगे। इसके अतिरिक्त अगर मिजोरम की बात करें तो मिजोरम में अगर देखा जाए तो मिजोरम जो है, मिजोरम किसके किसके साथ बॉर्डर शेयर करता है, तो मिजोरम जो है बांग्लादेश के साथ भी थोड़ा सा बॉर्डर शेयर करता है। और यहां पर आप ध्यान रखना मिजोरम म्यांमार के साथ भी बॉर्डर शेयर करता है। इसके अलावा मिजोरम देश के अंदर अगर हम देखें तो मिजोरम शेयर करता है त्रिपुरा के साथ, स्टेट्स में आसाम के साथ और मणिपुर के साथ, ठीक है, ये तीन स्टेट्स हैं। तो इसको आगे भी मैं रिवाइज कराऊंगा, आगे भी आप, अभी मैंने लोकेशन बता दी है कि कहां पर ये एग्जिस्ट करता है, ठीक है। चलिए तो अब हम मिजोरम हेडिंग डालेंगे, मिजोरम की ज्योग्राफिकल लोकेशन क्या है, ये किनके साथ बॉर्डर शेयर करते हैं। तो अगर ज्योग्राफिकल लोकेशन की बात करें तो ध्यान रखना कि ज्योग्राफिकल लोकेशन में इंटरनेशनल बॉर्डर हम शेयर कर रहे हैं म्यांमार एंड बांग्लादेश के साथ मिजोरम की। ध्यान से फिर से लिख लीजिए कमेंट सेक्शन में आप सभी लोग, मिजोरम किनके किनके साथ अपनी लैंड बॉर्डर शेयर करता है, तो इंटरनेशनल बॉर्डर वो म्यांमार और बांग्लादेश के साथ शेयर करता है। स्टेट बॉर्डर किनके किनके साथ शेयर करता है, तो नॉर्थ वेस्ट में त्रिपुरा, नॉर्थ में आसाम एंड नॉर्थ ईस्ट में मणिपुर के साथ शेयर करता है। कमेंट सेक्शन में आप सभी लोग लिख देंगे एक बार कि इंटरनेशनल बॉर्डर किनके किनके साथ शेयर करते हैं, किनके किनके साथ शेयर करते हैं, तो म्यांमार एंड बांग्लादेश के साथ शेयर करते हैं। स्टेट बॉर्डर किनके किनके साथ शेयर करते हैं, तो त्रिपुरा नॉर्थ वेस्ट के अंदर, नॉर्थ वेस्ट मतलब ऊपरी हिस्से में, और यहां पर आसाम यानी कि नॉर्थ यानी इसके ऊपर ही, यानी कि जस्ट ऊपर, तो मैंने अभी लोकेशन आपको दिखाई थी, और मणिपुर जो है वो नॉर्थ ईस्ट में, ठीक है, ध्यान रखना। अब यहां पर डेमोग्राफी की बात करें, डेमोग्राफी मतलब वहां पर पॉपुलेशन वगैरह की बात करें, तो पॉपुलेशन में अगर बात करें तो मिजोरम जो है वो सेकेंड लीस्ट पॉपुलेशन पॉपुलस कंट्री, यानी कि दूसरे नंबर पर सबसे कम आबादी यहीं पर, लगभग 4 लाख के आसपास की आबादी है। अब यहां पर रहने वाले लोगों में सेक्स रेशियो की बात कर लेते हैं, तो 1000 मेल पर, 1000 लोगों पर 975 फीमेल है। तो सेक्स रेशियो कितना है, सभी लोग कमेंट सेक्शन में लिखेंगे कि मिजोरम का सेक्स रेशियो कितना है, तो मिजोरम का सेक्स रेशियो 1000 पुरुषों पर 975 महिलाएं हैं। पूरे देश का सेक्स रेशियो कितना है, तो 2011 के सेंसस में मैंने पढ़ाया भी है आपको
कि 943, 943, 943 क्या है, तो 943 पूरे पूरे देश का सेक्स रेशियो है। तो यानी कि पूरे देश में 1000 लोगों पर, 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं हैं, 943। और अगर हम पूरे मिजोरम की बात करें तो वहां पर 1000 मेल हैं और 975 महिलाएं हैं, ठीक है। इस तरीके से लिटरेसी रेट की बात करें तो लिटरेसी रेट काफी हद तक हाई है, यहाँ पर 91.58% लिटरेसी रेट है, काफी पढ़े लिखे लोग हैं यहाँ पर। और पूरे देश का लिटरेसी रेट काफी हद तक उससे कम है, यानी कि 74% के आसपास ही है। तो दोनों का कंपैरिजन करने से आपको ये पता चल जाएगा कि हम कहाँ एग्जिस्ट कर रहे हैं, और जिस राज्य में आप रहते हैं उसको भी एक बार देखोगे तो तुमको अंदाजा हो जाएगा कि तुम कौन से राज्य में रहते हो, ठीक है। बायोडायवर्सिटी की बात करें तो इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019 के हिसाब से मिजोरम हैज द मैक्सिमम फॉरेस्ट कवर एज अ परसेंटेज। अगर एज अ परसेंटेज की बात करें कि उनकी टोटल टेरिटरी इतनी है, तो इसका 80% हिस्सा वहां पर किस रूप में है, तो 80% हिस्सा उनका फॉरेस्ट के रूप में, 85% हिस्सा, ठीक है, याद रखना 85% हिस्सा किसमें है, 35% हिस्सा उनका बेसिकली ज्योग्राफिकल एरिया जो है वो फॉरेस्ट के रूप में ही है। अब यहां पर स्टेट एनिमल की बात करें तो स्टेट एनिमल साजा के नाम से जाना जाता है। तो इसकी ये मैंने पिक्चर डाल दी कि कई लोगों को साजा पता नहीं होगा, तो जिनको नहीं पता वो यहां पर देख के अंदाजा लगा सकते हैं कि गधे जैसा दिखता है, गधे बोला है, आपको नहीं बोल दिया किसी को कि लगे कि आप कितना, अपना कितना लिटरेसी है, अपना कितना मतलब यूपी का है, याद करो मैंने सेंसस पढ़ाया हुआ है आपको, सेंसस में बिहार पढ़ाया, यूपी पढ़ाया, सब पढ़ाया है। स्टेट वर्ल्ड की बात करें तो वर्ल्ड के हिसाब से देखें तो ये बेसिकली तीतर है, क्या है, तीतर, एक हम लोग हिंदी में बोलते हैं तीतर, तो याद रखना वाऊ नाम है इसका, क्या नाम है, वाऊ, तो वाऊ नाम है, तो ये पक्षी जो है इनका स्टेट वर्ल्ड है, ठीक है। तो ये बेटा याद रखना, कभी कभी पूछ सकते हैं क्योंकि ये चर्चा में है, तो इसलिए इट मे बी पॉसिबल, देखें ना आज सच ऑफ क्वेश्चन। प्रोटेक्टेड एरिया कौन कौन से हैं, तो डंपा टाइगर रिजर्व एक प्रोटेक्टेड एरिया है मिजोरम के अंदर, ये सब आपको पता होना चाहिए। दूसरा मर्लिन नेशनल पार्क, ये भी है, और इसके अलावा फांगपुई नेशनल पार्क है, नागिनपुई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, तावाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, तो ये सारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी प्रोटेक्टेड एरिया के रूप में है जो कि लोकेटेड है मिजोरम के अंदर। ये पूछा जा सकता है, मैच द फॉलोइंग में ये क्वेश्चन पूछते हैं, इसलिए मैंने वो वाले पार्ट ही इसमें कवर किए हैं विच इज क्वाइट इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन, ठीक है, आपके एग्जाम के रेस्पेक्ट में इंपॉर्टेंट है, वो वाला हिस्सा मैंने इसमें डाला हुआ है। अब मैं बात करूं कि मिजोरम के अंदर कौन सी ट्राइबल्स रहती हैं, तो मिजोरम के अंदर 5 मेजर ट्राइब्स रहती हैं और 11 माइनर ट्राइब्स हैं। तो जो 5 मेजर ट्राइब्स हैं उन ट्राइब्स के बारे में आप जान लीजिए, क्योंकि ऐसा सवाल भी आता है कि भाई ये ट्राइब कहां पाई जाती है। तो एक तो लुसी, राल्ते, हमर, पेथे एंड पाउगी, फिर से मैं रिवाइज कर देता हूं, ट्राइबल्स की बात करें तो ट्राइबल की बात करें तो 5 मेजर ट्राइब्स यहां पर आपको पाई जाएंगी, जनजातियां मिलेंगी, लुसेई, राल्ते, हमार, पाइथे एंड पाई। तो ये 5 मेजर ट्राइब्स हैं, और जो 11 माइनर ट्राइब्स हैं उनको अवजिया कहा जाता है, क्या कहा जाता है, 11, ठीक है, अवजिया। तो अगर आपसे पूछे कि कितनी मेजर ट्राइब्स पाई जाती हैं, तो 5 मेजर ट्राइब्स पाई जाती हैं और यहां रहने वाले लोगों को मिजोस कहा जाता है। तो मिजोस के अंदर 5 मेजर ट्राइब हैं और 11 माइनर ट्राइब्स हैं, जो माइनर ट्राइब्स हैं उनको अवजिया कहते हैं और जो मेजर ट्राइब्स हैं उनको लुसेई, राल्ते, हमर, पैथेन, पावी कहते हैं। तो ये मेजर ट्राइब्स के नाम आपको पूरी तरीके से पता होने चाहिए। मिजोस की एक अच्छी बात है कि इनकी कम्युनिटी के अंदर किसी भी तरीके के कोई डिस्क्रिमिनेशंस नहीं है, और ये डिस्क्रिमिनेशन ना ही किसी सेक्स के बेस पर है, स्टेटस के बेसिस पर है, ना रिलीजन के बेसिस पर। ये काफी हद तक अपनी इक्वालिटी को प्रमोट करते हैं, महिलाओं और पुरुषों में कोई अंतर नहीं करते। तो ये काफी हद तक एक अच्छी चीज है जो पूरे इंडिया में होनी चाहिए थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा है नहीं। मिजोस जो है वो प्रैक्टिस करते हैं झूम कल्टीवेशन की, किसकी करते हैं, झूम कल्टीवेशन की। तो याद रखना कि झूम कल्टीवेशन भी एक तरीके की खेती होती है। खेती करने से पहले क्या करते हैं ये लोग, जो हम ये कह सकते हैं कि बेसिकली जो एक तरीके की ऑर्गेनिक खेती होती है। झूम कल्टीवेशन में क्या होता है कि फसल को जला दिया जाता है और जलाने के बाद उसको उसी में डाल देते हैं, फसल इन द सेंस जो वेस्टेज होता है फसल का, उसको तो उसको डाल देते हैं। उसके बाद इसमें बहुत एडवांस है,
कौन लिख रहा है एडवांस है, मतलब काफी हद तक ये ओपन माइंडेड है, हमारे जैसे नहीं है। तो अगर पूछा जाए कि मिजोस आर एग्रीकल्चरलिस्ट प्रैक्टिसेस, यानी कि ये लोग जो है वो झूम की खेती करते हैं, तो झूम झूम की खेती करते हैं समझ लो, तो झूम कल्टीवेशन याद रख लो, ये काफी हद तक इंपॉर्टेंट है बस, और काफी इसमें और ऐसा कोई इंपॉर्टेंट फैक्ट नहीं है, ठीक है, ध्यान रखना। इसके अलावा इनके फेस्टिवल और डांस की बात कर लें, तो फेस्टिवल और डांस में बात करें तो इनके दो मेन फेस्टिवल्स होते हैं। पहला फेस्टिवल कौन सा है, तो एक तो है मिमकुट, क्या है मिमकुट, और एक है चापचरकूट। तो ये दो इनके मेन फेस्टिवल होते हैं। तो जो चापचरकूट है ये स्प्रिंग फेस्टिवल है, द मोस्ट पॉपुलर एंड सेलिब्रेटेड आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द टास्क ऑफ जंगल क्लीनिंग एंड झूम ऑपरेशंस। तो झूम ऑपरेशंस की अगर बात करें, तो जैसे मान लीजिए इन्होंने क्या करना है, पहले बहुत सारी फसलों को जला के उसको, यानी कि जंगल साफ वाफ करते हैं, और ये उसको ये लोग झूम कहते हैं। तो जब जंगल उंगल साफ कर लेते हैं, क्योंकि 85% एरिया में तो जंगल ही है, तो उसको साफ सुथरा रखना, उसको अच्छा रखना, ये काफी साफ सुथरे हैं इनके हिसाब से। बाकी हम लोगों के हिसाब से तो क्या ही है कि नहीं है, हम लोगों के हिसाब से तो साफ सफाई वही है कि जंगल ही साफ कर दो, हम काट वाट के पूरा रोड रोड बना देते, मकान बना देते, तब सफाई में जाती, लेकिन ये जंगल उंगल साफ करते हैं, एक टास्क के रूप में लेते हैं अपनी हरियाली मेंटेन करने के लिए। तो स्प्रिंग फेस्टिवल है ये, ठीक है, बसंत का त्योहार है, तो कैप्चर कूट बेसिकली यहां पर मनाया जाता है। अब यहां पर अगर मैं बात करूं तो मिमकूट क्या है, देखो किसी ने लिखा, मानव लिख रहे हैं सर इतना तो मिजो के स्टेट एग्जाम में भी नहीं आएगा, मिजो के स्टेट एग्जाम में नहीं आएगा, लेकिन आप ध्यान रखना, जैसे आपसे ये पूछा जा सकता है, ये तो पूछ सकते हैं ना कि चापचर कूट कौन से स्टेट में मनाया जाने वाला फेस्टिवल है, मिमकूट कौन से स्टेट में मनाया जाने वाला फेस्टिवल है, आपसे ये पूछ सकते हैं कि मिजोरम के अंदर सेक्स रेशियो कैसा है, आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि भैया जो चीजें मैंने बताई हैं कि वहां पर कौन सी वाइल्ड लाइफ है कि नहीं है, तो ध्यान रखना। तो इस हिसाब से चक्कर यहां पर जो है वो मैंने आपको बता दिया है, अगर आपको लिखना है लिख लीजिए, नहीं लिखना है तो छोड़ दीजिए, इसमें क्या है। तो मिमक्यूट क्या है, तो एक मक्के का फेस्टिवल है, ठीक है, जो अगस्त से सितंबर के बीच में सेलिब्रेट किया जाता है, और आफ्टर द हार्वेस्ट ऑफ मेज, मेज मतलब मक्का होता है, इसको मिमकुट कहते हैं, ठीक है, तो ये लोग इसको सेलिब्रेट करते हैं। फटाफट मैं इसको और आगे लेके चलता हूं, चलिए, बहुत बार पूछा है चापचरकूट के बारे में, बिल्कुल। अब यहां पर इनके डांस को क्या कहते हैं, तो इनका डांस है चेरा, और इस डांस को आप देख लीजिए, इसको बंबू डांस भी ये लोग कहते हैं, और बेसिकली इस तरीके से ये डांस परफॉर्म किया जाता है जो आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हेडिंग आप डाल सकते हैं, नेक्स्ट हेडिंग डालने से पहले यहां पर आप देख लीजिए, मिजोरम के अंदर कौन सी कम्युनिटी है जो बेसिकली सबसे ज्यादा रहने वाली है, तो आप याद रखेंगे मिजोरम के अंदर क्रिश्चियनिटी को फॉलो करने वाले सबसे ज्यादा लोग हैं 87.1%, और बुद्धिज्म को फॉलो करने वाले 8%, फिर हिंदुइज्म को फॉलो करने वाले लोग हैं, तो ये इस तरीके से। लेकिन मिजोरम के अंदर सबसे ज्यादा लैंग्वेज कौन सी बोली जाती है, तो दैट इज मिजो लैंग्वेज है। कौन सी लैंग्वेज है, मिजो लैंग्वेज है, ये आप ध्यान रखना, ठीक है। चलिए अब हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं अरुणाचल प्रदेश के बारे में। तो अरुणाचल प्रदेश का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड अगर हम देखें, तो पहले इसे नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी के नाम से जाना जाता था, विच वॉज इसको हम नेफा के नाम से बोलते थे। फिर से लिख लीजिए कि नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी के नाम से जानते थे। 1972 में भारत सरकार ने इसे यूनियन टेरिटरी का स्टेटस दे दिया, और फिर लेटर ऑन 1987 में इसे क्या बनाया गया, अरुणाचल प्रदेश के नाम से एक स्टेट के रूप में भारत में शामिल कर लिया गया। फिर से मेरी बात को सुन लीजिए, अरुणाचल प्रदेश का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है, कि इसे नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी नेफा के नाम से जाना जाता था, और ये जो नेफा है ये 1972 में भारत सरकार ने इसे यूटी का स्टेटस दिया, और ये फिर लेटर ऑन 1987 में जब 55th अमेंडमेंट किया गया, तब इसको अरुणाचल प्रदेश का नाम दिया गया, और 1987 में ये पूरी तरीके से भारत में शामिल कर लिया गया, ठीक है, ध्यान रखना। अगर मैं इसकी बात करूं तो ये जो अरुणाचल प्रदेश है, तो ये बेसिकली बॉर्डर किया गया है चाइना के साथ, चाइना का जो तिब्बत रीजन है वहां पर, और भूटान के साथ, ठीक है, ध्यान रखना। साउथ के अंदर हम देखें तो साउथ में, साउथ ईस्टर्न रीजन के अंदर हमें नागालैंड दिखाई देगा, म्यांमार दिखाई देगा, और साउथ वेस्टर्न रीजन के अंदर आसाम दिखाई देगा, ठीक है। तो ये इस तरीके से इनका बॉर्डर किया गया है, जो कि मैंने अभी मैप में आपको समझाया था। इसकी लोकेशन बिल्कुल आप याद रखेंगे, यानी कि अरुणाचल प्रदेश तीन इंटरनेशनल टेरिटरी बॉर्डर रखता है, एक तो रखता है भूटान, दूसरा चाइना, तिब्बत रीजन वाला चाइना, और दूसरा तीसरा है म्यांमार।
देश के अंदर कितने राज्य हैं, तो नागालैंड और आसाम के साथ ही अपने बॉर्डर शेयर करता है। अगर इतनी बातें आपने लिख ली है तो एक बार यस कर दीजिए, हाँ लिख लिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहां से आप देख भी सकते हो, जैसे एक ये हो गया आपका भूटान, ये हो गया क्या, ये हो गया तिब्बत रीजन, और ये वाला हिस्सा क्या हो गया, म्यांमार का हो गया। तो तीन बॉर्डर हो गए। तो इस हिसाब से चलिए अब यहां पर डेमोग्राफी की बात कर ले, तो यहां का जो टोटल हिस्सा है यानी कि इसकी कैपिटल जो है, कैपिटल जो है वो बेसिकली अरुणाचल प्रदेश की ईटानगर है, आपको सबको पता होगा। लिटरेसी रेट की बात करें तो लिटरेसी रेट यहां पर जो टोटल लिटरेसी रेट है वो है 65.38% विद द मेल लिटरेसी एंड इन फाइव, हाँ ठीक है ओके। अच्छा आपको ये ध्यान रखना है कि द टोटल लिटरेसी रेट ऑफ द स्टेट एज पर द सेंसस 2011 इज 65.38, तो यहां पर ये आप छोड़ दीजिए, इसके बाद कितनी मेल है कितनी, इतना हमें अंडर नहीं जाना है। तो लिटरेसी रेट कितनी है, तो अरुणाचल प्रदेश की लिटरेसी रेट काफी हद तक कम है, क्योंकि काफी हद तक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, तो इसलिए इंडिया वाले यानी भारत सरकार वहां पर काफी हद तक कुछ कर नहीं पाई है अभी, तो इसलिए वहां काफी पिछड़ापन देखने को आपको मिलेगा। सेक्स रेशियो कितना है, तो भारत का सेक्स रेशियो है 1943, और यहां पर सेक्स रेशियो भी काफी हद तक कम है, 2011 सेंसस के हिसाब से 938 ही सेक्स रेट है, ठीक है सेक्स रेशियो है, तो 938 फीमेल है 1000 पुरुषों के ऊपर, ठीक है। इस स्टेट के अंदर 26 मेजर ट्राइब्स रहती है और 100 से ज्यादा सब ट्राइब्स रहती है, ठीक है ध्यान रखना। 65% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन जो है वो ट्राइबल ग्रुप्स को बिलोंग करती है, यानी ट्राइब्स को ही बिलोंग करती है। और यहां पर ऑक्यूपेशन के रूप में देखें तो यहां पर मेनली एग्रीकल्चर है, और झूम कल्टीवेशन जो सिस्टम वहां भी हो रहा है वो यहां भी हो रहा है। अगर कल्टीवेशन के रूप में देखें तो कैश क्रॉप्स जिसे पोटैटोस वगैरह भी ये उगाते हैं, पाइन एप्पल, एप्पल, ऑरेंजेस और इन सब की खेती वगैरह भी ये करते हैं, यानी कि इसकी बागवानी वगैरह भी करते हैं, हॉर्टिकल्चर में ये यहां पर परफॉर्म करते हैं। अब इसकी बायोडाइवर्सिटी देखें तो स्टेट एनिमल मिथुन के नाम से जाना जाता है, तो मिथुन नीचे है ऊपर नहीं है, तुम ये मत समझ लेना मिथुन, ये है मिथुन, ठीक है, जिसको बेसिकली गायल के नाम से जानते हैं। अब गायल बहुत तगड़ा घायल कर देगा बता रहा हूं, जिस हिसाब से ये दिख रहा है, तो इनका ये स्टेट एनिमल है। स्टेट बर्ड की बात करें तो स्टेट बर्ड जो है वो हॉर्नबिल है, देखो कितना सुंदर पक्षी है। तो ये प्रोटेक्टेड एरियाज की बात करें तो यहां पर हमें कई सारे प्रोटेक्टेड एरियाज देखने को मिलते हैं, नामदाफा नेशनल पार्क देखने को मिलता है, मौलिंग नेशनल पार्क देखने को मिलता है, सेसा ऑर्चिड सेंचुरी मिलती है, दिबांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, और पक्के टाइगर रिजर्व भी है। तो ये प्रोटेक्टेड एरिया भी आपको ध्यान, देखो मैंने ये जो टॉपिक आपको पढ़ाया है, अब तुमको अरुणाचल प्रदेश के अंदर ना कुछ पढ़ना है, सारा मैंने कवर कर दिया। मेरे को ये अलग छोटा छोटा कलेक्टिव फॉर्म में लाने के लिए काफी समय लगा, ऐसा नहीं कि ये जब मन किया तो लाके धर दिया, तो थोड़ी मेहनत से करता हूं, तो मेहनत से आप भी करिए, आपको अब कहीं और जाना नहीं पड़ेगा, ये हो गया, ये अब समझ लो अरुणाचल प्रदेश में क्या था सब मैंने डाल दिया इसके अंदर, ठीक है। हालांकि मेहनत तो लगती है, तुम्हें भी पता है, लेकिन तुम पढ़ते नहीं हो ना ससुरे, दिक्कत इस बात की है। अब यहां पर कहते हैं कि ट्राइबल्स ऑफ अरुणाचल देखें, तो जो मेजर ट्राइब्स हैं, ठीक है ना, अरुणाचल प्रदेश के अंदर तो बहुत सारी ट्राइब्स हैं, लेकिन जो मेजर ट्राइब्स हैं उनमें कौन कौन सी हैं, तो जिससे आपसे सवाल पूछे जा सकते हैं, तो मोनपास, नाहिसिस, आपातनिस एंड नोक्टस एंड सिरडू केपेंस। तो ये जो ट्राइब्स हैं, ये ट्राइब्स बेसिकली सबसे ज्यादा पाई जाती है, यानी कि सिग्निफिकेंट ट्राइब्स हैं, ये सबसे मेजर ट्राइब्स, इन्हीं को कहा जाएगा अरुणाचल प्रदेश के अंदर। जैसे मैंने वहां भी ट्राइब्स डाल दी और यहां भी ट्राइब्स डाल दी है। अब मानव ने ये सवाल पूछा था कि इतना तो हमसे पूछेंगे कि नहीं पूछेंगे, लेकिन बेटा वक्त रहते जब पूछेंगे तब तो हमें याद करोगे, जब तुमसे मैच द फॉलोइंग करने को कहेंगे कि कौन सी ट्राइब कहां पाई जाती है, तब नहीं तब बताना कि सर ने सही पढ़ा है कि नहीं। कौन से रिलीजन को फॉलो करने वाले लोग सबसे ज्यादा हैं यहाँ पर, तो क्रिश्चियनिटी को यहाँ भी सबसे ज्यादा लोग फॉलो करते हैं, उसके बाद हिंदुइज्म को, या क्रिश्चियनिटी और हिंदुइज्म वाला जो आंकड़ा है वो ऊपर नीचे हो रहा है, काफी हद तक पास भी है। इसमें कौन सी लैंग्वेज सबसे ज्यादा यहाँ पर बोली जाती है, तो न्यासी लैंग्वेज सबसे ज्यादा बोलते हैं, उसके बाद आदि लैंग्वेज बोलते हैं, तो न्यासी लैंग्वेज को बोलने वाले सबसे ज्यादा लोग हैं, इतना याद कर लेना, बाकी तो मैंने ऐसे ही सब देना था तो मैंने आपको यहाँ पर भी लिख दिया है, ठीक है। उम्मीद करते हैं बच्चों सेशन काफी प्रोडक्टिव रहा होगा, शुरुआत की होने वाली असुविधाओं के लिए माफी चाहता हूँ, उम्मीद करेंगे कि आगे से क्लास और भी ज्यादा प्रोडक्टिव रहे। सुबह की क्लास में मैं थोड़ा ये कोशिश कर रहा हूँ कि आपको ज्यादा से ज्यादा कंटेंट डिलीवर किया जाए और ज्यादा से ज्यादा चीजें पढ़ाई जाए। एक चीज तो मैं रियलाइज कर रहा हूँ कि यहाँ जब मैं पढ़ा रहा हूँ तो आपको
पहले से ज्यादा कंटेंट दे पा रहा हूँ। और बाकी अनअकैडमी पर आपकी जो क्लासेस है वो बिल्कुल होंगी, रात को 10:30 बजे भी एक क्लास होगी, तो आप उसको भी लगाइए, और यहाँ वहाँ दोनों मिलाकर चलेगा। आज और कल का पीडीएफ आपके ग्रुप में आ जाएगा, डोंट वरी। और देखते हैं भविष्य में और क्या होता है, ठीक है? तो विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच, आपका दिन शुभ रहे, और बाकी हम लोग मिलते रहेंगे, मुलाकात होती रहेगी। 7 बजे शाम को क्लास होगी पॉलिटी की, तो प्लीज उस क्लास को अटेंड करिए। थोड़ा मैंने स्पीड में पढ़ाया होगा तो कोई बात नहीं, इतने समझदार हो कर सकते हो, पीडीएफ ग्रुप में भी दे दो, ग्रुप में ही दूंगा। unacademy@hmn2, ये मेरा कोड है, टेलीग्राम का चैनल, इसको ज्वाइन कर लो। और जिन्हें कोर्स परचेज करना है, तो उन सभी बच्चों से मैं ये कहना चाहता हूँ कि कोर्स परचेज कर लीजिए जल्दी से जल्दी, क्योंकि